हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं राधे फार्मिंग और मैं हूं आपके साथ राधे। हम आज के वीडियो में सीख रहे हैं कि वेस्ट जो होता है मशरूम के उत्पादन लेने के बाद जो वेस्ट बचता है, हम उसको क्या 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 करें, और जो मशरूम का उत्पादन लेने के बाद वेस्ट बचता है, उसका बाकी अवशेष बचता है, हम उसका सही उपयोग कैसे करें। तो हम आज मशरूम के वेस्ट का सही उपयोग करने वाले हैं। जो डिकम्पोज़र होता है, वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़ करके हम उसको एकदम बढ़िया सा कंपोस्ट बनाने वाले हैं। तो कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है और हम उसको जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे ये सारे वेस्ट हो चुके हैं, जो कि इसमें से मशरूम का प्रोडक्शन बढ़िया तरीके से आ चुका है और ये बाकी के अवशेष हैं। तो हम इसको क्या करें, सही उपयोग इसका कैसे करें। तो मैंने पहले से ही निकाल रखा है यहाँ पहले का जो मटेरियल था, और हमें ये जिस जगह कंपोस्ट बनाना होता है उस जगह पहले लगभग 4 से 6 फीट का गड्ढा खन लें, चौड़ाई या फिर लंबाई या फिर आपके आवश्यकता अनुसार। मैंने तो इसको 4 फीट गहरा रखा हुआ है, और 4 फीट गहरा रखने के बाद मैंने इसके ऊपर से जो अपना मशरूम का सब्सट्रेट होता है, बाकी बचा अवशेष होता है जो हमारे मशरूम उत्पादन के लायक नहीं होता है, हम उसको इसमें डाले हैं। उसके बाद हम डिकम्पोज़र का यूज़ किए हैं, और फिर से हम आज वही आपको करके दिखाने वाले हैं। हमारे पास इतने सारे मशरूम बैग हैं जो वेस्ट हैं, तो हम आज इसको आपको दिखा रहे हैं स्टेप बाई स्टेप। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। अब मैं इसको फटाफट से अपना जो है बैग में से सब्सट्रेट जो है निकाल ले रहा हूँ, उसके बाद हम अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो हमारे पास जितना भी बैग था हमने खाली कर लिया है, और अब बारी है इसमें डिकम्पोज़र डालने की। यह है मेरी डिकम्पोज़र, और आपको भी डिकम्पोज़र ऑनलाइन जो है अमेज़ॉन या फिर और भी कोई शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आसानी से मिल जाएगी। आप डिकम्पोज़र का यूज़ कर लीजिएगा। इसको ऊपरी तह से सारे के सारे में पानी से भिगो देना है, पानी का मतलब डिकम्पोज़र जो होता है डिकम्पोज़र से भिजा देना है। अगर आप डिकम्पोज़र का यूज़ करते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका डिकम्पोज जल्दी हो जाएगा, यानी कि आप जो खाद बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं ये बहुत जल्दी 1 महीने तकरीबन 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाएगा। और अगर आप बिना डिकम्पोज़र के कर रहे हैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, और मान के चलिए 3 महीने। और हम डिकम्पोज़र डालने के बाद इसको बढ़िया तिरपाल से ढक देंगे ताकि इसमें से गैस निकले ना, और ये बढ़िया से डिकम्पोज हो सके। और ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 1.5 महीने पहले इसको डिकम्पोज होने के लिए रखा था, और ये अब यूज़ करने के लिए एकदम उपयुक्त हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, ये कंपोस्ट में परिवर्तन हो चुका है। तो हम अब इसको जाके सीधे खेत में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।